छह होते हैं, कितने पक्षों में बांटा हुआ है? फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था, है ना? तो अब तो पूजा बताएगी, बताओ, क्योंकि ये तो वर्ड है, इनको तो याद होगा, तो इनसे पूछने से कोई लाभ नहीं है, जो एक्सीलेंट हो उसी से पूछ लेना चाहिए। हाँ जी कौन? खड़े होने में तकलीफ है, धनंजय खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ आप बताइए। हमने 3H की बात की थी। पहला H है, दूसरा H हार्ट और तीसरा H है। बहुत बार हमने बताया किसने डिवाइडेशन किया था, ग्रुप ने। इन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले किसी भी चीज को हम सीखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान। जब ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तभी हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान के छह पक्ष थे और स्वयं ज्ञान का दो भाग था, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यस्मरण। पहले ज्ञान होगा, फिर स्मरण होगा। उसके बाद में ज्ञान के जो छह पक्ष थे उसमें कौन कौन से पक्ष थे, कौन बताएगा? अवबोध, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में था भावात्मक पक्ष। जब तक ज्ञान का संबंध भावों से नहीं होगा, तब तक ना तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, ना आस्था होगी, ना हमारा विश्वास जड़ें पकड़ेगा, क्योंकि बिना भाव के तो कुछ नहीं होता है ना, और भाव से सब कुछ संभव है। तो भाव के कौन कौन से पक्ष होंगे? बोलो, भाव होगा तभी तो उस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। पकड़ में कब आएगी? होगा पहले ज्ञान हुआ। बहुत बार सामान्य शब्दों में बताया है, बहुत बार, बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। वो सोचना कैसा? ग्रहण कब करेंगे? जब मन को अच्छा लगेगा। भाव से संबंध हुआ ना, तभी तो ग्रहण होगा, और ग्रहण होगा तभी तो अनुक्रिया होगी। अनुपसर्ग और क्रिया, अनु यानी अनुसरण करना, यानी नकल करना, वैसा का वैसा कार्य करना। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या होगा? मूल्यांकन। अब मूल्यांकन किसका? जो ग्रहण किया उसका, और जो हमने क्रिया विधि अपनाई उसका। ये सब किससे संबंधित हुई? विषय वस्तु से। अब अपना जो अंतिम पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष। तीनों एक साथ होंगे तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा, टुकड़ों में हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सारी पढ़ाई हम किसके लिए कर रहे हैं? शिक्षण के लिए। शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो शिक्षा के उद्देश्य क्या हो गए? विस्तृत, असीमित, क्योंकि शिक्षा कोई एरिया थोड़ी नहीं, बहुत सारा विशाल एरिया है, उसका क्षेत्र बहुत है। लेकिन शिक्षण किसी एक विषय का, उस विषय में से ही प्रकरण का, तो क्या हुआ? सेज। ठीक है, उसके लिए हम जब टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, प्रविधियाँ, विधि एक और प्रविधि बहुत सारी चीज़ों को अपनाएंगे।
जैसे मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन गति, यही बोलते हैं ना, ठीक है, तो उस गति को जानना यानी उसका जो चक्र लगाने का जो एरिया है उसका ज्ञान होना, और कैसे सूर्य पूर्व से उतर कर पश्चिम की ओर चला जाता है, उसमें उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब जानेंगे तो क्या होगा, आउटपुट। तभी तो हम तुलना करेंगे कि ग्रहों की चाल क्या है, सूर्य किस स्पीड से चल रहा है, चंद्रमा का क्या है, ये क्या है। तो तुलना, व्याख्या, वर्गीकरण, अंतर, ये सब कब होंगे, हमें ज्ञान होने के बाद में, तभी तो ज्ञान का जो दूसरा पार्ट अवबोध है, और जो भाव का पार्ट है ग्रहण करना, ग्रहण करेंगे तभी तो हम व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण सब कर पाएंगे। जब ग्रहण ही नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हुआ क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का संबंध किससे हुआ, मन और गति से, तीन शब्द है ना, मन और गति। गति का मतलब क्या होता है, चलना, चलना, शिक्षा चलेगी थोड़ी ना, शिक्षा चलेगी ना शिक्षण चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा, विचारों के आदान प्रदान से। ज्ञान का हस्तांतरण बोलते हैं ना अपन कि उच्च अध्ययन में हम क्या करेंगे, ज्ञान का हस्तांतरण करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि ज्ञान का संबंध किससे हुआ, मन और उसके साथ साथ मन के साथ उसकी गति, यानी मन किस गति से उस एरिया में जो प्रकरण आप जो टॉपिक समझा रहे हैं उस टॉपिक को स्पष्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो